फ्रेंड्स, वनस्पति दर्शन में आप सभी का स्वागत है। वनस्पति दर्शन में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आक, आक जिसको हम आंकड़ा भी बोलते हैं। आज हम आपको इसके पौधे की पहचान कराएंगे तथा फिर आपको इसके औषधीय गुणों की जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, ये आंकड़े का पेड़ है। इस पर इस तरह का पत्ता होता है, ध्यान से देखिए, और इस तरह का इस पर फल आता है। ये इसका फल है। ध्यान से देख लीजिए इसके पेड़ को। फ्रेंड्स, ये है आंकड़े का पौधा। अगर आपको सांप काट लेता है तो उसके विष को नष्ट करने के लिए इसकी जड़ को पानी में घिसकर पिलाइए। ऐसा करने से सांप का विष जो है वो उतर जाएगा। इसके पत्ते जो हैं खाने से पीलिया रोग दूर होता है, तो पीलिया के रोगी इसके पत्तों को चबाकर खाएं, उनको पीलिया से राहत मिलेगी। अस्थमा के पेशेंट्स सुबह सुबह इसके एक पत्ते को पीसकर अच्छे से खाएं, चबाकर भी खा सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, ये है आंकड़े का पत्ता। इसको तोड़कर अच्छे से बारीक कर लीजिए। और इसको अच्छे से पीस लीजिए। इस लेप में हल्का सा सरसों का और लहसुन डालकर उसमें सरसों के तेल में गरम कर दीजिए और उस गरम तेल को इस लेप में मिला लीजिए। और इसके बाद इसको पसलियों पर लगाइए। ये आपको पसलियों के दर्द से बहुत ही जल्दी राहत देता है। तो सर्दी में बच्चों को या बड़ों को जो पसलियों का दर्द होता है, उसमें यह आंकड़े के पत्तों का लेप बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, यह आंकड़े का पत्ता, इसको तोड़कर अच्छे से पीस लीजिए। इसको अच्छे से पीस लीजिए। ये जो लेप है, अगर आपका शरीर कहीं से कट गया है तो, या फिर आपको कुत्ते ने काट लिया है, तो उस घाव पर ये लेप लगाने से आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है और इन्फेक्शन भी नहीं फैलता। तो कटे हुई जगह पर या कुत्ते के काटने पर इसको लगाना बहुत ही फायदेमंद है। फ्रेंड्स, ये थी आग से संबंधित महत्वपूर्ण औषधीय गुण, आग की महत्वपूर्ण औषधीयपूर्ण जानकारियाँ, आग की पहचान। आप इन जानकारियों को अपने दैनिक जीवन में अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए ज़रूर प्रयोग में लाइए। और इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तथा जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।